स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विरसा अकेडमी पर। आज के इस ट्यूटोरियल में आपको हम बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो लेटेस्ट अभी वर्सन आया ऑफिस का 2021, इसमें हम फाइल को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, यानी कोई भी हमारा अगर फाइल बन रहा है उस फाइल में हम पासवर्ड कैसे सेट करेंगे, यानी हाउ टू प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट विथ पासवर्ड। ठीक है, तो चलिए सीख लेते हैं कि हम लोग फाइल में पासवर्ड कैसे सेट करते हैं। ये आपको हम दो तरीका बताएंगे। ठीक है, दो तरीका होगा कि दो तरीका में से जो आपको इजी लगेगा आप उस तरह से आसानी से पासवर्ड सेट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का किसी भी एप्लीकेशन में आप सेम स्टेप को अपना कर पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम स्टेप वन एक बता देंगे कि पहले एक तरीका, फिर उसका हम दूसरा। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा ताकि दोनों जो हम बताएंगे तरीका, ठीक है, उसमें से जो आपको इजी लगेगा उसके अनुसार आप कीजिएगा तो ये श्योर आप कर पाएंगे। ठीक है, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं और इसी तरह का वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को यानी नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक सूचनाएं पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे, चाहे आप स्टार्ट से ऑल एप्स में जाके आप पर ले आइए या आपका अगर टास्क बार में अगर पिन किया हुआ है वहाँ से भी ला सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही ओपन होगा देखिए यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जब क्लिक कर देंगे तो आपका फाइल नहीं हुआ है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ आपको सबको पता है। अब देखिए इसमें क्या करना है, कोई भी एक हमको डॉक्यूमेंट्स बनाना है यानी कुछ ना कुछ हमको यहाँ टाइप करना होगा। ठीक है, तो हमारा एक टाइप किया हुआ है, चलिए उसको हम कॉपी करके ले आते हैं। ठीक है, कॉपी भी चलिए इसी में आप लोग देखिए यहाँ पर जैसे कॉपी है तो सिलेक्ट करके आप उसको डायरेक्ट कॉपी कीजिएगा। ये तो हमारा नोटपैड में है, यहाँ से कॉपी कर दिए। चलिए उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे पेस्ट हो गया, अब देखिए हमको क्या करना है, जो भी जो आपको काम करना है आप चाहे हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में कीजिए, किसी में भी आप टाइप कर लिए। अब ये सपोज कीजिए आपका डॉक्यूमेंट्स हैं और आप चाहते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट्स को कोई भी दूसरा यूजर ओपन नहीं कर सके। ठीक है, जैसे हम लोग मोबाइल में कोई एप्लीकेशन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, लॉक लगा देते हैं, चाहे वो आपका पिन से हो या पैटर्न लॉक हो, यूज करते हैं ताकि वो हमारा पर्सनल हो, दूसरा कोई उसको ओपन नहीं कर सके। सेम उसी तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एप्लीकेशन में चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावरपॉइंट हो, किसी में भी जो हम अपना अगर कोई फाइल है, हमारा जो भी इसमें इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारा डाटा है, ये हम चाहेंगे दूसरा कोई भी यूजर ओपन नहीं कर सके। ठीक है, यानी हम इसमें फाइल को हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, यानी अनऑथोराइज्ड जो यूज हो उसको हमको रोकना है। ठीक है, कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन उसको ओपन नहीं कर सकें। तो देखिए दोस्तों, इसमें दो तरीका है। ठीक है, एक है जो आप फाइल में पासवर्ड देंगे, दूसरा है उसी फाइल को आप इनक्रिप्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम आपको एक तरीका बताएंगे कि जो हम लोग सेव करते हैं, ठीक है, तो सेव करने समय भी आप पासवर्ड सेट करते हैं, तो चलिए उसको हम लोग सीखते हैं कि सेव करने समय हम पासवर्ड के साथ कैसे सेव करेंगे। सेव करने के लिए हमको क्या करना, देखिए सबसे पहले आपका फाइल मेनू है, अगर आप इससे कम वर्सन में अगर हैं, ठीक है, जैसे 2007 में है तो आपको ऑफिस बटन मिलेगा। ठीक है, वो भी नहीं तो कीबोर्ड से आपको क्या करना है, सिंपल कंट्रोल और एस को प्रेस करना है तो आपको सेव का ऑप्शन आएगा। तो चलिए यहाँ हम फाइल मेनू में जाते हैं, ये न्यू वर्सन में, अब यहाँ आते हैं सेव में, सेव में क्लिक करेंगे। सेव में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है, कहाँ पर हमको लोकेशन चाहिए, कहाँ पर सेव करना है, चलिए हम ब्राउज कर लेते हैं ताकि ये हमारा डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। अब देखिए यहाँ फाइल नेम, किस नाम से हम डॉक्यूमेंट्स को सेव करना चाह रहे हैं यानी स्टोर करना चाहेंगे, वो हमको फाइल का नाम यहाँ देना है, और सेवेज टाइप में हम फाइल का टाइप जो है उसको हम किस टाइप में सेव करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अब हम लोग सिंपल क्या करते हैं, फाइल का नाम देते हैं और यहाँ सेव में क्लिक कर देते हैं, लेकिन नहीं, अब हमको क्या करना है, पासवर्ड देना है। इसमें एक हमारा एडवांस सेटिंग्स में जाना होगा, देखिए यहाँ पर आपको टूल्स दिखाई दे रहा है, आपको टूल्स में क्लिक करना है, यहाँ से आपको आना है जनरल ऑप्शन, जनरल ऑप्शन में आप जैसे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपका है पासवर्ड टू ओपन। ठीक है, अब यहीं पर आपको वो पासवर्ड सेट करना है जो आप पासवर्ड सेट करना चाहेंगे। तो चलिए हम कोई ना कोई एक पासवर्ड हम सेट कर देते हैं। दिए पासवर्ड देने के बाद फिर इसको आपको ओके कीजिए, फिर दोबारा सेम पासवर्ड को ही आप कन्फर्म के लिए दे दीजिए। ठीक है, देने के बाद फिर इसको ओके कीजिए, ओके करने के बाद आपको यहाँ फाइल का नाम देना है जो आप फाइल का नाम देना चाहेंगे। चलिए हम एक फाइल का नाम दे देते हैं,
फाइल का नाम टाइप कर दिए। फाइल का टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आपको सेव में क्लिक कर देना है। सेव हो गया। अब दोस्तों देखिए इसको हम कैसे कन्फर्म होंगे कि ये मेरा पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट हुआ या नहीं हुआ, चलिए इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल में जाके इसको क्लोज कर देंगे ताकि ये फाइल हमारा बंद हो जाए, ठीक है। अब उस फाइल को हमको क्या करना है, ओपन करना है। फाइल में जाएंगे फिर ओपन में क्लिक करेंगे, या तो आप कीबोर्ड से करेंगे तो कंट्रोल और ओ कीबोर्ड शॉर्टकट है ओपन के लिए, वो भी आप प्रेस करके कर सकते हैं। तो चलिए हम ओपन में क्लिक कर लेते हैं। फिर देखिए ब्राउज में जाइए या आपका रिसेंट फाइल में से यहाँ पर आपका लिस्ट है, चलिए यहीं से हम इसको ओपन कर लेते हैं। या तो आप ब्राउज में जाके आपका जो भी नाम दिए थे वो नाम रहेगा वहाँ से आप ओपन कीजिए। अब देखिए दोस्तों ये अब क्या है, यहाँ पर आपको पासवर्ड खोज रहा है, इंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल, ठीक है। अगर यहाँ पर हम गलत पासवर्ड देंगे तो ओपन नहीं होगा, चलिए वो भी हम चेक कर लेते हैं। कुछ भी एक पासवर्ड देकर ओके कर देते हैं, देखिए द पासवर्ड इज इन करेक्ट। चलिए अब हम क्या करते हैं, फिर इसको ओपन करते हैं। सेम प्रोसेस, ब्राउज में गए, फाइल को नाम में क्लिक करके यहाँ पर ओपन में क्लिक कर दिए। अब जो हमारा पासवर्ड दिया हुआ था सेम वही पासवर्ड देके जब हम यहाँ ओके में क्लिक करेंगे तभी ये फाइल हमारा ओपन होगा, अदरवाइज ओपन नहीं होगा, ठीक है। ये एक तरीका है दोस्तों। दूसरा तरीका क्या है, देखिए आपको हम ये न्यू में इसी में आपको न्यू करके बता देते हैं। चलिए इसी में फिर हम एक बार पेस्ट कर लेते हैं उसी को, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए जैसे सपोज कीजिए आप यहाँ फाइल में सेव में गए, ठीक है। सेव में जाके आप क्या करते हैं, फाइल का नाम चलिए हम टाइटल ही रख देते हैं, वही दिया और आप सेव में क्लिक कर दिए, यानी वहाँ पर टूल्स में आप जाके पासवर्ड सेट नहीं किए। अब आपको क्या करना है, यहाँ फाइल मेनू से आपको जाना है इन्फो में, ठीक है। इन्फो में जब आप जाएंगे देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, जब आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपको पासवर्ड देने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको पासवर्ड अपना टाइप करना है, फिर ओके में क्लिक कीजिए। ओके में क्लिक करने के बाद री एंटर कीजिए, जो आप पासवर्ड दिए थे सेम वही पासवर्ड दीजिए और उसके बाद फिर से ओके में क्लिक कर दीजिए और एक बार यहाँ पर आप सेव में खाली क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर इसको फाइल को हम क्लोज कर देते हैं और फिर इसको ओपन करके देखेंगे कि हमारा फाइल पासवर्ड के साथ ओपन हो रहा है या डायरेक्ट हो रहा है। तो चलिए यहाँ ब्राउज में गए, टाइटल नाम से था अभी वाला, इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये दो तरीका है, एक तो आप जब फाइल को सेव कर रहे हैं उस समय अगर आप पासवर्ड देते हैं तो टूल्स में जाइए, वहाँ से जनरल ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर मिलेगा पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड दीजिए, ओके कीजिए, री एंटर कीजिए सेम पासवर्ड को, फिर ओके कीजिए, फाइल का नाम दीजिए और सेव में क्लिक कर दीजिए। अगर आप सेव करने समय टूल्स में जाके नहीं सेट किए हैं, बाद में अगर आप करना चाहेंगे तो फाइल मेनू से इन्फो में जाइए और वहाँ से आपको मिलेगा इनक्रिप्ट का ऑप्शन, वहाँ पर से आप पासवर्ड दे सकते हैं। चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तब तक मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में।